नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी मैं हूँ पंजिम सिटी में, जो कि है गोवा की राजधानी। और ये सिटी, पंजिम सिटी, बहुत से रीजन से बहुत फेमस है। गोवा का सबसे मेन जगह यही है पंजिम, क्योंकि यहाँ पर बात करें नदी की, कैसीनोस की, बार्स की, लोकेशंस की, हर जगह बहुत ज़बरदस्त नज़ारे दोस्तों। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो यहाँ पर कैसीनोज हैं फेमस, जो पीछे आप देख रहे हैं, ये है मांडोवी रिवर, बहुत फेमस रिवर है। और जितने भी यहाँ के सबसे बड़े, ये है बिग डैडी और ये है मांडोवी रिवर, ये है सिलिंग ब्रिज जो कि अभी रिसेंटली बना है। और यहाँ पर मैजेस्टिक कैसीनो है, मतलब जहाँ पर गैम्बलिंग पार्टीज वगैरह होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये है पंजिम सिटी का एक लुक, और अंदर से भी आपको थोड़ा सा और आके दिखाऊंगा, जहाँ पर बहुत पुरानी लेन है, चर्च है, और देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों आपको सबको पता ही होगा कि गोवा बहुत सारे रीजन्स की वजह से फेमस है। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि गोवा में खाली बीचेस ही हैं। गोवा में बीचेस के अलावा यहाँ पर जो बिल्डिंग घरों के स्ट्रक्चर हैं, जो कि पहले यहाँ पर पुर्तगीज का कब्जा था, तो वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने घर बनाए वो देखने लायक, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है। और अभी दिखाता हूँ आपको कैसे कसीन, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं जितना भी घूमा हूँ बहुत क्लीन है दोस्तों, मतलब इट्स लाइक जैसे कि चंडीगढ़ आप जाएंगे, बहुत क्लीन सिटी है, इसी तरह से पंजिम भी बहुत क्लीन सिटी है। और ये देखिए यहाँ की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, और एकदम पुरानी, ये भी एक कैसीनो है। तो ये है हिल्टन जैक, यहाँ पर इनके सारे एम्प्लॉयज़ वेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ काम करते हैं कैसीनो के अंदर। कोई मैजिक सिक्का है, कोई किसी का है, ये सबसे बड़ा इधर का कैसीनो है, किंग्स कैसीनो। और ये देखिए डेल्टन जैक, मैजेस्टिक प्राइड, गोवा का सबसे पुराना कैसीनो इनमें से एक है ये। यहाँ से बेसिकली जो है इस रोड के जस्ट पीछे बस टर्मिनल है, बहुत बड़ा पंजी का, पंजिम बोलते हैं बेसिकली इसको। और ये है मांडोवी रिवर, आप व्यू देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होता है जो कैसीनोज हैं यहाँ के, डेल्टन रॉयल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैजेस्टिक कैसीनो भी है, और इसके जस्ट पीछे मांडोवी रिवर है, वो आपको दिखाता हूँ। बट दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी गोवा की, मतलब पणजी की, बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लीन। तो और क्या क्या है यहाँ पर आपको सब दिखाता हूँ, मेरे साथ बने। तो ये देखिए, ये है बिग डैडी कैसीनो दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे लेन्स हैं यहाँ पर, देखिए एक तो ये लेन है जो कि यहाँ का सबसे फेमस लेन बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, और सब पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है घर का, ये पुर्तगीज़ जब पहले थे उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, तो वो अभी भी उसको ऐसा रखा गया। देखिए काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी इसी लेन में हुई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ घर का, आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल पुराने डिज़ाइन, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, कितना अच्छा लगता है ये लेन। लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत रश होने लग गया पहले के मुकाबले। तो कभी भी आप यहाँ पर आना चाहें तो आप बोल सकते हैं एंटोनियो कैफ़े। तो ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आगे, बहुत ही फेमस और बहुत पुराना कैफ़े है यहाँ का, आ सकते हैं। ये देखिए कैफ़े, यहाँ पर कैफ़े आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर।
यहाँ बैठ सकते हैं। ये जोसफ बार इस तरह से, यहाँ पर लॉन्च भी है छोटे मोटे, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस कैफ़े एंटोनियो, कभी आ सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए और यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसकी बात करता है, इस स्ट्रक्चर की बात करता है, देख सकते हैं ये है पैंजिम सिटी का, जो थोड़ा अंदर की तरफ है, ये मांडोवी रिवर के अंदर के पास में मतलब। और ये है ओरा प्रोनोबिस चर्च, जो कि बहुत ही फेमस चर्च है इधर का। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा और आके दिखाऊँगा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे लेन्स हैं जो अपने कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है, थोड़ा वहाँ चल के देखते हैं। और कभी भी जैसे आप गोवा आते हैं इस साइड पैंजिम साइड में, और आप इस लेन में जो मैंने आपको दिखाया अभी, इस साइड आना चाहते हैं इस तरह से, यहाँ बहुत सारी लेन, आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो सामने है किंग्स कैसीनो, अभी मैं जा भी रहा हूँ, ये है किंग्स कैसीनो, यहाँ पर ठीक इसके सामने लेन है, और यहाँ आप आ सकते हैं ईजीली, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों इस एरिया को आप पैंजिम मार्केट भी बोल सकते हैं, और आराम से जब भी आप पैंजिम आते हैं यानी पणजी आते हैं, तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर, अगर आपको लॉन चाहिए, सस्ते होटल चाहिए, आपको बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आप बीचेस के लिए आते हैं इस तरफ, तो बीचेस तो यहाँ से जो बढ़िया अच्छे बीचेस हैं वो थोड़े दूर हैं, जैसे कैलंगूट, बागा, मोरजिम, ये सारे के सारे थोड़े दूर हैं। यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर के डिफरेंस पे सारे बीचेस। अगर खाली आप ये कैसीनो बार इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, नो बिग डील। कभी भी दोस्तों अगर आप कोई क्रूज़ की राइड लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने प्राइस वगैरह पूछा था, ये देखिए सामने जो है मेलविन, ये है मेलविन, यहाँ पर आके आप क्रूज़ इंजॉय कर सकते हैं। एक घंटे का इनका चार्ज होता है 500 रुपये। और ये सामने जो बिल्डिंग है नेशनल म्यूजियम, उसके ठीक सामने आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री है इनकी क्रूज़ की। तो ये 500 रुपीज़ पर आवर, मतलब 500 रुपये के देकर आप एक घंटा आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा सा पंजिम मार्केट से आगे आते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत ही, यहाँ का सबसे फेमस जो बीच है वो है मीरामार बीच। आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी एंट्री है, किसी से भी पूछेंगे मीरामार बीच तो बता देंगे, बहुत ईजिली आप यहाँ आ सकते हैं पंजिम मार्केट से। और अभी आपको मैं यहाँ का बीच दिखाता हूँ कैसा है, चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये है मीरामार बीच। दोस्तों इस बीच में एक फ़र्क मैंने देखा जो बहुत ही मेजर फ़र्क है, जैसे कि बाकी बीचेस में मोरजिम, अपरोरा या फिर किसी भी अदर बीचेस में अगर आप जाते हैं, तो आपको शैक्स वगैरह दिखेंगे जहाँ पर आप ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, फूड इंजॉय कर सकते हैं। बट इस बीच में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ शैक्स वगैरह नहीं है, ना कोई ऐसा बार है बाहर की तरफ बीच के पास जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। जैसे नॉर्मल बीच है, और जो एकदम मेन पीछे के साइड उधर है मेन रोड, तो बस यही है यहाँ पर, बस आप पानी को इंजॉय कर सकते हैं। That's the best part.